सबसे पहले तो मैं ये चूँकि पहला मौका है रिहाई के बाद और आज मैं आया हूँ, ये मेरा घर है कुरैशी साहिबान का और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मेरा आज का तलक नहीं है, ये उनके बच्चे हैं और इनकी विदाई से पहले का तलक है और मुझे ये खुशी है शादी पे आके। यहाँ मैं ये साफ कहना चाहूँगा कि ये जो लोग बातें करते हैं ना कोई डील के तहत आए हैं और डील के तहत, भाई डील 1.25 साल हो गया मुझे जेल काटते हुए और मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहना है। और ये कोई किसी को गलत फहमी है, हमारे कुछ रिश्तेदार ये मोहसिन नकवी इस तरह की बातें करते फिरते हैं, ये इनको चाहिए अपने मुंह बंद रखें। आपने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और मुझे जो ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई गई है इन्होंने पहुँचाई है, हालांकि मैं जब गिर गया तो ये मेरा डिले करते रहे कि मैं मुझे मेरी 5 जो रिब्स हैं 5 पसलियाँ टूटी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बचाई है और किसी काम के लिए बचाई है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा ना इमरान खान साहब कभी हटे हैं अपनी बात पे, ना मैं हटा हूँ, हमने जो इकट्ठे बैठ के किसी न किसी तरीके से मेरी बैक साइड पे उनकी बैरक थी, हम जो बातें करते रहे हैं ना इंशाल्लाह आप देखना कि वो जल्द ये रंग लाएगी बातें हमारी और पीटीआई जो है ये इंशाल्लाह दोबारा इकतदार में आएगी और वही अच्छे काम जहां हम छोड़ के गए थे जिसमें ख़त्मे नबूवत का काम है और ये सारे काम जो हमने किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। और ये जो गुजरात की सीटों की बात करते हैं ना, ये जाके माफ़ी मांगे पहले गुजरात के लोगों से, जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया और हमारा मैंडेट चोरी किया, ये सब चोर हैं, जब तक ये वापस नहीं करते इनके साथ कोई ना डील होगी ना कोई बात हो सकती है। ये इनका वहम है, इनकी सोच है, ये निकाल दें अपने दिल से। और जो कैंप जेल में आके शुजात साहब और ये मोहसिन नकवी बातें करते रहे ना, ये दरअसल मैंने साफ कह दिया था, मैंने कहा आप जाके जो मर्ज़ी कर लें, मेरा इम्तिहान लेना है ना, मेरा इम्तिहान तो अल्लाह ने लेना है और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया अपने इम्तिहान में, आज मैं सुरखरू हूँ इंशाअल्लाह ताला। और हम देखेंगे कि आइंदा हमारी जो जमात है इसको इसमें रखना डालने वाला कोई ना हो और हम सब मिलके शीशा पलाई हुई दीवार, आज मुझे पुराने साथियों से मिलके दिली खुशी हो रही है और इंशाअल्लाह हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे।